न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के कस्बा साडोरा की अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित बदलेंगे हरियाणा का हाल अब लाएंगे केजरीवाल कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए अपना चुनावी इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी के हाथों शराब के झूठे कांड में फंसा कर जेल पहुंचाने का काम किया है। और क्या कुछ कहा सुनीता केजरीवाल ने आप खुद ही सुन लीजिए। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। घरेलू बिजली फ्री होगी, यहाँ भी पावर कट नहीं लगेंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव हर शहर में मॉडल क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे जहाँ फ्री और अच्छा इलाज होगा। दिल्ली में हो रहा है ऐसा, पंजाब में हो रहा है ऐसा। तीसरी गारंटी, हर गांव हर शहर में सरकारी स्कूलों को अच्छा किया जाएगा जिससे शिक्षा अच्छी और फ्री हो। चौथी गारंटी, हर माता बहनों को हर महिला को हर महीने 1000-1000 रुपया मिलेंगे। दिल्ली और पंजाब में ये योजना जल्द ही लागू होने जा रही है और हर युवा को हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, कन्याओं को, बुजुर्गों को, सबके विकास और खुशहाली के लिए बहुत सारी प्लानिंग की है आपके बेटे ने। दिल्ली को बदला है, पंजाब को बदला है, अब आप सबको अपने घर को उनको बदलने की जिम्मेवारी देनी है। देंगे साथ, हम सब मिलकर नया हरियाणा बनाएंगे, सब मिलकर नया हरियाणा बनाएंगे, बनाएंगे। मंजूर है? मंजूर है? सभी को अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है, बीजेपी को एक वोट नहीं देना है, एक सीट नहीं देनी। जय हिंद। जैसा कि आपको ज्ञात हो, हमने पूना में हमने एक तालीम के लिए जो अपनी गारंटी थी केजरीवाल जी की, उनको माध्यम से प्रस्तुत किया था। आज सुनीता केजरीवाल जी यहाँ पे जो सडोरा का पिछले 30 सालों में जो विकास नहीं हुआ उसको दिखाने के लिए आ रहे हैं। अभी हमारे साथी पूछ रहे थे कि यहाँ पे सडोरा ही चुना गया, सडोरा का विकास पिछले 30 सालों में नहीं हुआ। आप भी यथास्थिति जानती हैं, जो भी यहाँ पे अपनी अपनी रेणु बाड़ा दी है उनको जितना फंड मिलता है वो फंड यहाँ पे लगाने की बजाय और कामों में लगा रही है। और सुनीता यहाँ पे आम आदमी पार्टी को हरियाणा में संगठित करके और बहुत बढ़िया चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। पिछले 10 सालों में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, पिछले 10 सालों में हरियाणा नशे में नंबर 1 हो गया, पिछले 10 सालों में जितना लोगों को लाइनों में लगाया गया है इतना मैं नहीं मानता हूँ हिंदुस्तान में किसी को लाइन में लगाया गया। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, बिजली के नाम पे और कितने ही कारण है जो लाइनों में लगाया गया। हमारा जो बदलाव हरियाणा लाएंगे, हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा मेन मोटिव हरियाणा को नंबर 1 बनाना। जैसे हमने कार्य दिल्ली और पंजाब में करने का काम करा, पंजाब में हम 200 यूनिट बिजली देते हैं, पंजाब में 300 यूनिट बिजली देते हैं, दिल्ली में हम 200 यूनिट देते हैं। ऐसे ही वहां पे हमने 36,000 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया, 14,000 गैस की चोरी का। ऐसे ही हम जब हरियाणा जाएंगे हम एक एक घर में यहाँ पर रोजगार और 200 यूनिट 300 यूनिट
करेंगे, वो बिजली फ्री देने का काम करेंगे, अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे, अच्छी स्वास्थ्य होते तो हमें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी। अगर हम संतुष्ट होते तो हमें 2014 में ही हमें अपनी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी। पहले सामने 70 साल कांग्रेस देखी है, अब हम पिछले 10 साल से ये शासन देख रहे हैं। तानाशाही शासन है, तानाशाही शासन कहेंगे इसको। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम इन लोगों ने करा, एक ऐसे ईमानदार शख्स को जो अपनी लाखों रुपए की नौकरी जनता के हितों के लिए कार्य कर रहा था, उनको उनको जेल में डाल दिया है। और जब उनको जमानत मिलने के आसार हुए तो सीबीआई से गिरफ्तारी करवा दी। तो हमें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, माननीय केजरीवाल जी जेल से छूट करवा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।